अखिल भारतीय कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला अपने प्रवास पर जबलपुर पहुंचे, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया के जरिए रूलिंग पार्टी बीजेपी पर आरोप लगाते हुए 7 सवालों के जवाब मांगे। कांग्रेस प्रवक्ता का आरोप है कि अमित शाह के बेटे जय शाह की कंपनी टेम्पल एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड ऐसा क्या व्यापार करती है जिसने एक साल के अंदर अपना कारोबार 16,000 गुना बढ़ा लिया। शाह के बेटे की कंपनी के खाते में यह भी दर्ज है कि 51 करोड़ रुपए विदेश से आया। क्या देश में काम कर रही इनकम टैक्स ईडी की नजर नहीं पड़ी? ऐसा क्या कारण है कि शाह के बेटे की कंपनी को 15 करोड़ बिना किसी गारंटी के लोन दे दिया गया, जबकि देश में किसी को भी 10% भी बिना गारंटी के लोन नहीं मिलता? पांचवा सवाल, एक और कंपनी अमित शाह जी के पुत्र की है, उसका नाम है कुसुम फिनसर प्राइवेट लिमिटेड। इसकी बात करें, बाद में इसे प्राइवेट लिमिटेड से एलएलपी में बदल दिया। इस कंपनी को कालूपुर कमर्शियल कॉपरेटिव बैंक, उन्होंने 25 करोड़ का ऋण दिया। मैं और आप अगर ऋण लेने जाएं, वैसे भी पत्रकार राजनीतिकों को तो जल्दी से ऋण मिलता भी नहीं, कठिन है, परंतु ऋण लेने जाएं तो बदले में संपत्ति गिरवी रखी जाए, जो मुझे भी एक अकाउंटेंट के तौर पे समझ लो, कहेंगे आप कोलेटरल। 25 करोड़ का ऋण दिया गया और 6,20,00,000 की केवल संपत्ति गिरवी रखी गई। दो लोगों ने इस कंपनी के लिए संपत्ति गिरवी रखी, एक श्री अमित शाह पुत्र और दूसरा व्यक्ति जिन्होंने संपत्ति रखी उनका नाम है यशपाल चुडासमा। संयोग से जब वो फर्जी एनकाउंटर का केस चला था, सोहराबुद्दीन एनकाउंटर जिसे कहते हैं, उसमें अमित शाह जी के साथ ये महाशय भी जेल में थे, पर अब दोनों को बरी कर दिया गया है 2015 हाल में। अब देश की जनता यह जानना चाहती है कि रिजर्व बैंक का वो कौन सा नियम है या बैंकिंग का, जिसमें 25 करोड़ के लोन पर मात्र 6,20,00,000 या 7 करोड़ की संपत्ति गिरवी रखी जाती है। कोई और मॉडल भी है ऐसा, या कोई और व्यक्ति भी है जिसको 25 करोड़ के लोन के 7 करोड़ की प्रॉपर्टी के बदले में 25 करोड़ का लोन मिला हो, या इसी बैंक ने दिया हो, या क्या ये दोहरे मापदंड हैं? तो ये क्यों एक व्यक्ति पर लागू किए जा रहे हैं?